डायनामाइट न्यूज की टीम इस समय मौजूद है महाराजगंज जिले के रघुनाथपुर ग्राम सभा के टोला करीमदारपुर में। बाढ़ ने महाराजगंज जिले में किस तरह जबरदस्त तबाही मचाई हुई थी और उत्तर प्रदेश के सिंचाई और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने जिले का जो है हवाई सर्वेक्षण किया है और जो इसके जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं वहां कपड़ा पहुंचाया जाए, दवा का छिड़काव किया जाए, इस तमाम तरह का एक उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए थे कि मतलब जहां भी बाढ़ से जो भी प्रभावित एरिया है वहां पहुंचकर और गांव में तमाम तरह की जो भी सुविधाएं हैं वो गांव वालों को दी जाए। डायनामाइट न्यूज़ की टीम उसी की तहकीकात करने आज एक गांव में पहुंची है। यहां हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे कि क्या जो सिंचाई मंत्री कह के गए तो मौके पे कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ गांव में आया है कि नहीं आया, क्या इन लोगों का नुकसान हुआ है? क्या नाम है चाचा आपका? प्रभु, क्या नुकसान हुआ है आपका? बहुत नुकसान हुआ, फसल सब चल गया, सब्जी सब्जा सब चल गया, कोई कार्य गया। मौके पे कोई जिम्मेदार अधिकारी आया है? कोई नहीं आया। कितना दिन तक गांव में पानी था आपके? क्यों नहीं आया, क्यों तक कहीं नहीं आया। पानी कितना दिन तक गांव में था? पानी तो एक हफ्ता हो गया। कैसे आप लोग का काम चल रहा था? मान लीजिए गांव में अपन कैसे कैसे खा लिए रोटी, सरकारी कोई भी लाभ हुई? कुछ नहीं। सरकारी सरकार वाले पूरे भूखा मरा। क्या नाम है आपका? क्या नुकसान हुआ आपका बाढ़ से? बाढ़ से खेती बह गई, घर द्वार पूरी के ढह गए। मौके पे कोई जिम्मेदार अधिकारी आया? क्यों नहीं आया। क्या नाम है आपका? क्या नुकसान हुआ आपका बाढ़? खेती बाड़ी सब बह गए, घर में सामान वाल सब बह गए, कुछ गए नहीं गए। मौके पे कोई जिम्मेदार अधिकारी, कोई हाल चाल पूछने वाला? केहू नहीं, सरकार केहू नहीं आवत बा, जातवा यही में भूखन सोरे मरा था। हाँ, हमन के कुछ कर आसान नहीं बा कि मरा तरक जी। हाँ, खैले बगैर मरा था जी सके। क्या नाम है? केहू नहीं झाके आवत बा। क्या कितना नुकसान हुआ पड़ते आपका? दुई कड़ नुकसान बा धान की फसल। मौके पे कोई जांच करने आया था? कोई नहीं। तो जो सिंचाई मंत्री ने दौरा किया था महाराजगंज जिले में, हवाई सर्वेक्षण किया था और गांव में डायनामाइट न्यूज़ की टीम पहुंची है, यहां लोगों ने बताया कि मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी जिम्मेदार इन लोगों का हाल चाल पूछ दे। डायनामाइट न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है नौतनवा तहसील के रानीपुर ग्राम सभा रानीपुर के टोला मछरियाहवा में। यहाँ देखिए हम लोग इस समय नाव पे बैठे हुए हैं, टूटी नाव है और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर कैसे आ जा रहे हैं, जो भी जरूरत का सामान है, खाने का सामान हुआ, राशन का सामान हुआ लेने के लिए। आप जैसे देख सकते हैं मैं इस नाव में मैं बैठा हूँ, मुझे खुद डर लग रहा है कि इसमें देखिए कितना इसमें पानी भर जा रहा है और जो नाव चलाने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी इसमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ नाव में बैठे हुए चाचा जी हैं, गांव के निवासी हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे परेशानियों जानते हैं क्या दिक्कत हो रही है। क्या नाम है चाचा आपका? कुमार मुनीम नाव। कैसे देखिए नाव में अभी नाई देखा जा, ये नाई में एकदम फूचर फूचर नाई बा, अब कैसे हम जावा, अब कौन मने बूढ़ के मर जाए की हमें जिम्मेवारी ले। जो जरूरत का सामान है गांव पानी भरा हुआ है, खाने पीने की नाव ही एक सहारा है, ये नाव सहारा बाबू और कुछ नहीं बा। इसमें तो पानी भर जा रहा है चाचा? हाँ बाबू, पानी भर जाता था, कल प्रधान से कहा गए ले आवे को ना ले ले टीन उन ना छावना ना कुछ कैला आ ना आईबे कैला चनचूरा भूजा रहा तो न अपने घरे उठा ले गेला लोगन पचन लेखपाल आए रहल वो तब से झाके ना अइले। स्वास्थ्य विभाग का आए रहल लोगन तो दवाई उवाई एक आध गोली दे के तब से गेला, तब से वहाँ पर ना झाँके अइले। केहू झाका ही वाला ना आया बाबू, कौन सुनवाई है ना आई बा। बहुत लोग का खराब है, का करें यार, तबीयत बहुत खराब बा, सब मने कर ले ना दे, अपन परेशान बा जाए यही में, का करल जा। कितना दिन से गांव पर? अरे बाबू आज 9 दिन हो गए पानी भर ले। कहाँ रह रहे हैं आप लोग? हम तो यही बनाव पर रह जा। खाने पीने का? खाने पीने के यही में 24 घंटा में फिर जो कैसे लेके ले यही खा ले जाए, नहीं तो अपन राम राम वही कह ली, का करल जा, समय बिता बा। अब देखा जा अनाज पानी कौन बात है, खेती कौन बात है, जन्म शुद्ध नहीं रहे बाबा। अब
देखल जाए यहाँ से वहाँ तक पानी 1-2 किलोमीटर जाए बा अभी ना मार जा कौका करी हाँ नैया जो शुद्ध करा दे तो कुछ तब हमन के जो निमक रोटी खाई जाता बनावल जाए जा। ग्रामीण के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। गांव के जो ग्रामीण हैं वो बंधे पर रहने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ गांव में पानी भरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों के लिए खाने के लिए बहुत सारी यहां हम लोगों ने बात की तो उन लोगों ने बताया कि बहुत सारी समस्या है। नाव में देखिए किस तरह से पानी भर जा रहा है। यहाँ पे उन लोगों ने मांग की थी कि कम से कम नाव को ही अगर शुद्ध प्रशासन करा दे।